हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असम में आई जेल वार्डन के पदों पर वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं असम जेल बॉर्डर ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो दोस्तों, यदि आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च 2020 से और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 25 मार्च 2020। तो दोस्तों, 5 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको आवेदन शुल्क देना होगा उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें जनरल, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि दोस्तों जो आवेदन शुल्क होगा वो फ्री होगा। बात करें इसकी वैकेंसी डिटेल्स की, तो दोस्तों इसमें कुल 173 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल के लिए मेल में 137 पोस्ट है और फीमेल के लिए 18 पोस्ट। OBC के लिए 4 पोस्ट है मेल कैटेगरी और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। ST-H के लिए 8 पोस्ट है मेल कैटेगरी, फीमेल के लिए 0 सीट है। ST-P के लिए 4 सीट है मेल कैटेगरी और फीमेल के लिए 1 सीट है। बात करें हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 10वीं क्लास पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यदि आप 10वीं क्लास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, वहीं महिलाओं के लिए 8वीं क्लास पास होना चाहिए। अगर हम बात कर लें इसकी एज लिमिट की, तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 के गणना के आधार पर मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल तथा OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। बात करें हम इसकी हाइट की, तो इसमें मेल के लिए 165.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 144.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों, जो चेस्ट होगा केवल मेल कैटेगरी के लिए होगा, यानी कि 81 सेंटीमीटर से कम आपकी चेस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम चेस्ट होगी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैटेगरी के लिए 10वीं क्लास पास रखी गई है और फीमेल के लिए 8वीं क्लास पास रखी गई है इसमें आवेदन करने के लिए जो योग्यता है। और दोस्तों यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं पूरा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं थ्रो नो पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर SC ST, यानी कि दोस्तों इसमें SC ST के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं रखी गई हैं, फिर भी दोस्तों SC ST कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों SC ST यदि जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर अपना लाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लें हम इसके एज लिमिट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एज लिमिट होगी जनरल, OBC और MOBC तथा SC ST के लिए जो एज लिमिट है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।